चुनाव को लेकर जो है वो बम्पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है और 2 बजे का समय और 2 बजे के करीब जो डिटेल्स हमारे पास आई हुई हैं, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रियासी विधानसभा क्षेत्र में 60% जो है वो वोटिंग अब तक हो चुकी है। और हमारे साथ हैं पीडीपी के प्रत्याशी प्रताप शर्मा जी, उनसे बात करना चाहेंगे। प्रताप जी, आप पीडीपी की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंडेट आपको मिला हुआ था, किस तरह से देखते हैं 2014 के बाद 2024 की इलेक्शन को? नहीं देखिए अरुण जी, शुक्रिया पहले आपका और सभी को जय माता की। देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, ये तो उसकी वजह से 10 साल लेट हुए हैं जी, क्योंकि आपको पता है सारे अधिकार इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही उन्होंने एलजी को दे दिए। तो यहाँ सरकार बनाने का, ये दिल्ली कैसा ये बनेगा, क्या बनना है? तो जिस तरह से अलायंस हुआ था कांग्रेस और एनसी का, भाजपा और पीडीपी जो है वो अलग अलग इलेक्शन में चुनाव में उतरी हुई है, माना जाता है कि आने वाले दिनों में भाजपा के साथ पीडीपी फिर से एक बार सरकार बनाने में कामयाब होगी? ये देखिए ये राजनीति होती है, इसमें तो कुछ भी मुमकिन है, नामुमकिन राजनीति में कुछ नहीं है। ये बाद की बात है, अभी हम इंडिया का गठबंधन तो हम हैं, लेकिन ये उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि पीडीपी का जहाँ कुछ नहीं है उसकी वजह से हम अकेले लड़ रहे हैं। 60% के करीब जो है वो 2 बजे तक अभी तक मतदान हुआ है, कितना बड़ा उत्साह मानते हैं इस चीज को लेकर कि 60% जो है वो अभी तक जो है मतदान हो चुका है? नहीं, लोगों में उत्साह तो है, अब ये अपनी अपनी मर्जी है, कोई कहाँ डाल रहा है कोई कहाँ डाल रहा है, ये वोटर का इच्छा होती है, लीडर जो है वो वोटर होता है, वोटर के सर पे होता है। तो आप क्या मानते हैं कि आपका मुकाबला किससे रहने वाला है इस बार? नहीं ये वोटर को होगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि मुकाबला किसका है किसका नहीं। तो ये थे प्रत्याशी श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से प्रताप शर्मा जी, जो पीडीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनका यही कहना था कि वोटर को पता है कि कौन किसका मुकाबले में खड़ा यहाँ पर उतरा हुआ है। और माना जा सकता है कि जो है पीडीपी के प्रत्याशी हैं वो अच्छा, उन्होंने मेहनत किया और अच्छे वोट यहाँ पर लेंगे। और इसी के साथ एक्स चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हमारे साथ हैं, भाजपा के म्यूनिसिपल कमेटी प्रधान रहे और भाजपा के लिए जो है वो अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। शशि जी, 60% तक मतदान अभी तक जो हो चुका है, कितना उत्साह देखने को मिलता है लोगों में? आप सबको पहला जय माता दी, धन्यवाद श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी 58 में 60% मतदान हुआ, ये जो दर्शाता है कि ये मतदान भारतीय जनता पार्टी और विकास के लिए ये वोट हो रहा है। और जब पूरा देश के विकास, जम्मू कश्मीर के विकास और 370 तोड़ने के बाद पहली बार इलेक्शन हुई है, और देखो कितनी बम्पर वोटिंग हो रही है और जो सब वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रही है। माना जा सकता है जिस तरह से निकलकर बाहर आ रहे हैं और सीनियर सिटीजन के लिए भी वोटिंग की खास एडमिनिस्ट्रेशन ने तरजीह रखी हुई थी, और युवा वोटर्स को लुभाने के लिए जो है वो जो हमारे कैंडिडेट हैं वो काफी ज्यादा कामयाब हुए हैं किसी भी पार्टी के। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि युवा वोटर और युवा महिलाएं जो सब निकलकर बाहर आ रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा बात है कि जो युवा मतदाता है वो बाहर निकल आ रहा है। और जितना भी युवा है सब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के फेवर में, और ऐतिहासिक काम जो मोदी जी ने अक्षर की बात की जाए तो श्री माता वैष्णो विधानसभा क्षेत्र से जो थी बम्पर वोटिंग हुई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे कि विधानसभा इलेक्शन में आप उसका रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए, जहाँ के वोटर्स जो हैं? पक्का उसका रिकॉर्ड टूटेगा, आज आप 6 बजे तक देखें हमारी वोटिंग 80% तक जाएगी, पिछली बार 73% हुई थी, 80% जाएगी। तो ये थे एक्स चेयरमैन शशि गुप्ता जी, और मैं आपको बता दूं कि इनका यही कहना था कि पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी और लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो थी 73% के करीब जो वोटिंग हुई थी, और अब जो वोटिंग हो रही है, मैं बता दूं कि इनका यही कहना है कि 80% तक तो जो है वोटिंग हो सकती है, मगर 2 बजे का समय है और 2 बजे तक अगर बात की जाए तो 60% वोटर जो है वो मतदान कर अपने केंद्रों से निकल चुके हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और सीनियर सिटीजन के साथ साथ युवा जो है वो काफी मात्रा में वोट डालने के लिए पोलिस स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।